नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है वेलकम टू दिस वीडियो तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले नए क्वेश्चन पेपर के बारे में हमारे पास क्वेश्चन पेपर है सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी का ओके okay, बी फार्मेसी एट सेमिस्टर के अंदर जो 2021 में जो एग्जाम हुई थी एंड सेमिस्टर एग्जाम तो उसका क्वेश्चन पेपर है हमारे पास सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी का ओके okay, टोटल तो कितने मार्क्स का मार्क्स के हमारे एग्जाम होते हैं तो सेवेंटी फाइव मार्क्स के एग्जाम होते हैं कितना टाइम होता है उसके लिए तो थ्री आवर्स का टाइम होता है तो सेक्शन ए देख लीजिए फ्रेंड्स सेक्शन ए के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेक्शन ए जो है फ्रेंड्स हमारे पास वो टोटल ट्वेंटी मार्क्स का होता है उसके अंदर आपको टेन क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं ईच क्वेश्चन टू मार्क्स के लिए होता है ओके तो सेक्शन ए के अंदर देख लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन कॉन्टामिनेशन इन्फेक्शन एंड इंफेस्टेशन विथ एग्जाम्पल बी क्वेश्चन देख लीजिए डिफाइन हेल्थ एज पर डब्ल्यू एच ओ सी क्वेश्चन देख लीजिए राइट द नेम्स ऑफ वेक्टर बोर्नस डिसीज डी क्वेश्चन देख लीजिए राइट द नेम्स ऑफ लाइफ स्टाइल डिसीज क्वेश्चन देख लीजिए राइट नेम ऑफ एनी थ्री इंफेक्शियस डिशेस कॉज्ड बाय द वायरस क्वेश्चन देख लीजिए व्हाट इज बीसीजी वैक्सीन एंड हाउ एंड हाउ इट इज एडमिनिस्ट्रेटेड जी जी नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए राइट नेम ऑफ एनी फोर डिफिशियंसी डिसीज ड्यू टू द विटामस एच क्वेश्चन देख लीजिए वट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑफ पब्लिक हेल्थ आई क्वेश्चन देख लीजिए हु आर द ए एस एच ए वर्कर्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन इनिंग एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस तो ये था क्वेश्चन एक सॉरी सेक्शन ए के फ्रेंड्स हर एक क्वेश्चन टू मार्क्स के लिए था यहाँ पे तो आपको टोटल टेन क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने हैं सिंपल क्वेश्चन पेपर है फ्रेंड्स इसके अंदर कुछ हार्ड क्वेश्चंस नहीं है टू मार्क्स के लिए पूछा गया आपको ओके okay. तो जब भी आप स्टडी कर रहे हो तो साइड में क्वेश्चन पेपर और जो हमारी सिलेबस कॉपी होती है वो सिलेबस कॉपी साइड में जरूर रखना ताकि आपको पता चलेगा कि किस पॉइंट के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए और किस टाइप के क्वेश्चन वहां पर आपको पूछे जाएंगे तो सेक्शन बी के अंदर देख लीजिए सेक्शन बी फ्रेंड्स सेक्शन बी जो है हमारा वो ट्वेंटी मार्क्स का होता है इसके अंदर आपको टोटल दो क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं ओके तो यहाँ पर क्वेश्चन सेकंड देख लीजिए व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द कंसेप्ट ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन What are the general principle prevention and control of disease? Name any three national programs programs for non communicable disease. Question number third. Write a note on reproductive material, newborn child, and adolescent health framework by the government of India. Question number fourth. What are the objectives in the national health program? नोट ऑन रिवर्स नेशनल ट्यूबर कोल ट्यूबरकोसिस कंट्रोल प्रोग्राम तो ये था सेक्शन बी सेक्शन बी के अंदर किसी भी टू क्वेश्चन के यहाँ पर आपको आंसर लिखने हर एक क्वेश्चन टेन मार्क के लिए होगा ओके फ्रेंड्स आप देख लेते चलो सेक्शन सी तो सेक्शन सी के अंदर हर एक क्वेश्चन जो होता है सेक्शन सी के अंदर वो हर एक क्वेश्चन यहाँ पे फाइव मार्क्स के लिए होता है और आपको यहाँ पे सेवन क्वेश्चन सॉल्व करने हैं कोई भी सेवन क्वेश्चन सॉल्व करने हैं क्वेश्चन नंबर फाइव देख लीजिए राइट नोट ऑन कम्युनिटी सर्विस इन रूरल हेल्थ क्वेश्चन नंबर सिक्स राइट नोट ऑन नेशनल मलेरिया प्रिवेंशन प्रोग्राम क्वेश्चन नंबर सेवन राइट नोट ऑन प्रिवेंटिव डायबिटीज मलाइटस क्वेश्चन नंबर एट राइट नोट ऑन पल्स पोलियो प्रोग्राम क्वेश्चन नंबर नाइन डिस्कस द क्लासेस ऑफ सब्सटेंस हैविंग द पोटेंशियल टू एब्यूज what is the role of the pharmacist in controlling of abuse question number 10 define malnutrition write a note on diet uh, sorry balanced diet question number 11 write a note on national aids control program question number 12 write objectives integrated disease surveillance program question number 13 write a note on health promotion and education इन स्कूल तो ये था फ्रेंड्स ये थे फाइव मार्क्स के क्वेश्चन जो कि सेक्शन थ्री में पूछे जाएंगे आपको सिंपल क्वेश्चन है आपको ज्यादा फोकस कहाँ पे करना है जो हमारे प्रोग्राम है नेशनल प्रोग्राम्स जो है नेशनल प्रोग्राम्स uh, तो उसके ऊपर आपको यहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि उसके ऊपर भी ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है ओके नेशनल कंट्रोल प्रोग्राम जो हो गया हमारे जैसे कि एड्स के हो गए ट्यूबर क्यूलासिस हो गया मलेरिया हो गया तो ये सब नेशनल प्रोग्राम है तो इसके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है यूनिट थर्ड के ऊपर यूनिट थर्ड के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है यूनिट थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है फ्रेंड्स ओके आई होप आपको क्वेश्चन पेपर समझ में आ गया होगा अगर क्वेश्चन पेपर के अंदर कुछ डाउट या प्रॉब्लम तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अगर आपको और किसी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो हमें कमेंट सेशन में जरूर बताना फ्रेंड्स तो इस वीडियो के अंदर इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ थैंक यू सो मच